अपनी आवाज से करोड़ों लोगों को दीवाना बना देने वाले मशहूर सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, 74 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड की एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। बीते कई दिनों से एसपी बाला सुब्रमण्यम की तबीयत खराब थी और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। बाला सुब्रमण्यम 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन उसके बाद 13 अगस्त से उनकी हालत ज्यादा बिगड़ती गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। एसपी बाला सुब्रमण्यम एक ऐसी आवाज थे जिनके गाने आज भी हर किसी के लिए नए जैसे हैं। खासकर एसपी बाला सुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज बताया जाता था, जो कि सलमान खान की कई सुपरहिट फिल्मों में उनके गाए गानों ने धूम मचा दी थी, जिनमें पहला पहला प्यार है, मेरे रंग में रंगने वाली, दिखता ना दिखता ना, मेरे जीवन साथी, वाह वाह राम जी, हम बने तुम बने और कई ऐसे गाने हैं जो आज भी कई लोगों की जुबान पर बने रहते हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम ऐसे सिंगर थे जिन्होंने 16 भाषाओं में गाने गाए थे और 40,000 गाने उन्होंने गाए। यही नहीं, उनके इन्हीं गानों की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका था। इसके बाद सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जिसमें उनका गाना दिल दीवाना मशहूर हुआ था। बॉलीवुड का एक महान सिंगर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन एसपी बाला सुब्रमण्यम अपने गानों से हमेशा हर किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। जय भारत टीवी की तरफ से एसपी बाला सुब्रमण्यम को भावभीनी श्रद्धांजलि।